13.11 रोगों के बचाव प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे प्रयास करें जिससे कि हमें रोग होने की संभावना कम से कम हो। कुछ ऐसे प्रयासों के बारे में बताएं जिससे कि हम रोगग्रस्त न हो। स्वस्थ रहने की शुरुआत स्वच्छ वातावरण से भी की जा सकती है। यदि हम अपने आसपास के वातावरण को गंदगी मुक्त रखें तो हम रोग फैलने के कई कारणों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भोजन की पर्याप्त मात्रा व व्यायाम के द्वारा भी हम रोगों से दूर रह सकते हैं। इसी अध्याय में हमने पढ़ा है कि रोगों से बचाव का सीधा संबंध हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से होता है। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो लंबे समय तक हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। आजकल प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं ताकि रोग होने से पहले ही शरीर में रोगों से बचने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था बन जाए। आपने टीकाकरण के बारे में तो सुना होगा, यह एक ऐसी ही प्रक्रिया है। क्या आप जानते हैं प्रतिरक्षा इम्यूनिटी? परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सकीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिनका नाम एडवर्ड जेनर था ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गौ चेचक हुई है उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गौ चेचक दिया। इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसका कारण यह है कि चेचक का विषाणु गौ चेचक के विषाणु का निकट संबंधी है। लैटिन में काऊ गाय का अर्थ है वक्का तथा काऊ पॉक्स गौ चेचक का अर्थ है वैक्सीनिया। इसी आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं। क्या आपको कभी टीका लगा है? अपने अभिभावकों से पता करें कि आपको कौन कौन से टीके लगे हैं। टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी रोग विशिष्ट के प्रति शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है। टीकाकरण की प्रक्रिया द्वारा शरीर में जीवाणुओं एवं विषाणुओं की नियंत्रित मात्रा प्रवेश कराई जाती है जिससे रोग का हल्का आक्रमण होता है। इससे हमारे शरीर में पुनः इसी प्रकार का आक्रमण होने पर रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है।